let it bang. आज मैं और एक रेसिपी लेके आई हूँ आप सबके लिए जो कि बहुत ऑथेंटिक है एंड इट इज स्पेशली वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ बंगाली पीपल, दैट इज मांस झोल, दैट इज कॉल्ड मटन करी। तो ये बंगाली स्टाइल में मैं टोटली बनाने वाली हूँ, एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड इसमें मैंने काफी सारे इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं कम भी लिए हैं, तो देख लीजिए कैसा है। बहुत इजी प्रोसेस है, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मटन करी बनाने के लिए हम क्या क्या हमें लगेगा। पहले हमने लिया है ऑलमोस्ट 800 ग्राम्स ऑफ मटन, जिसको मैंने मैरिनेट किया है दही से। 2 चम्मच दही लगेगा इसमें, हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, ये कोई भी ब्रांड का मीट मसाला 2 चम्मच, जीरा, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर है कोई भी ब्रांड का, ये नमक, प्याज लगेगा हमें 800 ग्राम्स मटन के लिए मैंने 4 बड़े प्याज लिए हुए हैं, धनिया फॉर गार्लिक, ये सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, ये ग्रीन चिलीज और 1 टमाटर लेना है। और ये मैंने आलू लिया है, ये ऑप्शनल है बट अगर आप देंगे तो अच्छा लगेगा, ये फ्राई किया हुआ है। और ये पूरी रेसिपी मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाने वाली हूँ क्योंकि मटन मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, इसको हम गर्म होने देंगे। मैंने 5 बड़े चम्मच इसमें मस्टर्ड ऑयल दिया है, जनरली मटन करी में थोड़ा सा ज्यादा ऑयल यूज होता ही है। तो तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्च एंड तेज पत्ता। एक टेबल स्पून के करीब हम मिला लेंगे जीरा, इसको हल्का फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ये हल्का सा फ्राई हो चुका है, हम डाल देंगे प्याज। तो इसको हाई टू मीडियम फ्लेम में हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मटन करी का मेन प्रोसेस जो होता है वो होता है कि आप प्याज को कितने अच्छे से फ्राई करते हैं। चलिए इसको फ्राई करके मैं दिखाती हूँ इसका पोजीशन क्या है। अभी इस पॉइंट पे मतलब प्याज जब तक इतना फ्राई हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो 2 चम्मच के करीब मैंने यूज किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसमें हम 3 ग्रीन चिलीज दे देंगे बीच से कटी हुई, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को इस पॉइंट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा भी जो चिपक रहा है कुकर में वो ना चिपके, अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को इस पॉइंट तक आपको फ्राई करना है, देख लीजिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर, 1 टमाटर जो मैंने लिया था वह मैं ऐड करूंगा, उसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो टमाटर थोड़ा सा भुन गया है, अब हम ऐड करेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कोरिएंडर पाउडर 2 चम्मच, रेड चिली पाउडर ज्यादा करके 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून एंड जो मीट मसाला हमने लिया था पहले हम 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे, बाकी का हम बाद में यूज करेंगे। थोड़ा सा गरम पानी इसमें डाल देते हैं ताकि मसाला नहीं जले, उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस पॉइंट तक इसको फ्राई करना है, हम देख सकते हैं तेल निकल चुका है काफी हद तक। अब हम जो मटन है वो ऐड कर देंगे इसके साथ,
अब इसको एकदम हाई फ्लेम में आपको चलाना है, अच्छे से मिक्स कर। इसको हमें टोटल 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाना है, फिर मैं इसका फ्लेम और मीडियम कर दूंगी। तो मैंने 3 मिनट इसको हाई फ्लेम में फ्राई किया, उसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में, मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने इसको फ्राई किया। तो आप देख सकते हैं काफी तेल निकल चुका है। अब हम इसमें बाकी जो है चीजें डाल देंगे, जैसे आलू है, आलू पहले डाल देते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें करीबन 1 ग्लास के करीब गर्म पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर लीजिए अच्छे से। आफ्टर दैट हम इसमें डालेंगे जो रिमेनिंग मीट मसाला था वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस पॉइंट में आप देख लीजिएगा इसमें नमक की नमक ठीक है कि नहीं तो डाल दीजिएगा। अब हम डालेंगे धनिया पत्ती, फिर मिक्स करके इसको सीटी लगाएंगे। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं, टोटल 5 सीटी आने तक इसको कुक करते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी कैसा बना है हमारा मटन। आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आया है एंड मटन प्रॉपरली कुक हो चुका है एंड ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से मटन करी रेडी हो गया है एंड आपने कलर भी देखा कितना अच्छा आया है। विदाउट एनी कश्मीरी लाल मिर्च दिए भी इतना अच्छा कलर आ सकता है। पहली बात मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता दूं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप ज्यादा मसाला डालोगे तो मटन करी या कोई भी नॉनवेज आइटम बहुत टेस्टी बनेगा। उसका मेन फंडा यही होता है कि मसाले को आप जितने अच्छे से आप उसको फ्राई करोगे उतना अच्छा उसका टेस्ट बाहर आएगा एंड मटन करी समथिंग जिसमें आप ज्यादा स्पाइसेस ना ही इस्तेमाल करो तो अच्छा है। जैसे कि मैं खड़े मसाले मैं स्किप करती हूँ, उसकी जगह मैं थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं जीरा पाउडर नहीं देती, मैं कोरिएंडर पाउडर यूज करती हूँ, उसकी जगह मैं जीरा दे देती हूँ, खड़ा जीरा जो होता है वो दे देती हूँ एंड मैंने और कुछ एक्स्ट्रा मैंने उसमें नहीं डाला, प्याज भी डाला तो टमाटर मैंने 1 डाला। कोशिश कीजिए जितना कम मसाला आप यूज करें क्योंकि मटन खुद में ही बहुत रिच होता है एंड वो खुद में भी काफी तेल छोड़ देता है, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो एंड बहुत अच्छा बनता है। इस तरीके से बनाइए क्योंकि ये बंगाली स्टाइल में बनता है तो बहुत अच्छा लगेगा एंड ट्रस्ट में अगर एक बार आप इसको अपने फैमिली वालों को खिलाओगे तो बहुत मजा आ जाएगा सबको। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी नॉलेज शेयर करना है जो मुझे नहीं पता तो प्लीज शेयर कीजिएगा मेरे से एंड कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये ट्राई किया है तो कैसा बना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत दिन से बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।